एक सेकंड खोल रहा हूँ यार। हाँ बोलो क्या हो गया? तेरी मम्मी की तबीयत ज्यादा खराब हो रही है, देखिए ना उसे तो चले भी नहीं जा रहा। मैं तो रोज आपको बोल तो रहा हूँ कि हाँ चल पड़ो डॉक्टर के। तो ये मानती तो कौन है, बाप पे कहने लग गई, ज्यादा दिक्कत हो रही है। चलो फिर कह रहे हैं चल रहे हैं आप डॉक्टर के, ठीक है बोल तो रेडी होने के लिए। कहाँ है रूम में? क्या हुआ मम्मी तबीयत को, क्या हो गया? मम्मी आपको इतने दिन से बोल रहा हूँ, इतने दिन से आपको समझ नहीं आ रहा डॉक्टर के चलना है। किडनी में दिक्कत हो लग रही है, तो आपको इतने दिन से बोल रहा हूँ आप क्यों नहीं चल रहे थे? चलो जल्दी चलो एक बार रेडी हो जाओ, हल्के में मत लिया करो मम्मी किसी भी चीज को, रेडी हो जाओ एक बार, चेंज वगैरह कर लो चलते हैं। तो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपनी अपनी लाइफ में हैप्पी होंगे। तो गाइज आज है 20th of September है, वेडनेसडे है और अभी मॉर्निंग के 9 बज रहे हैं। और अभी आपने देख लिया होगा मॉर्निंग की शुरुआत कैसे हुई है, मतलब क्या है। अभी मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ। मैं मम्मी को यहाँ पे शायद 1 तारीख को लेके आया था, 1st of September को, ऑलमोस्ट शायद 19-20 दिन हो चुके हैं यहाँ पे। मैं कंटिन्यू रेगुलरली मम्मी को बोल रहा था डॉक्टर के पास चलने के लिए, बट मम्मी हर रोज एक्सक्यूज बना के डिनाई कर रहे थे। और अगर मैं कुछ स्ट्रिक्टली बोलता था तो मम्मी मेरे पे गुस्सा करने लग जाते थे और चिल्लाने लग जाते थे और थोड़ा सीन क्रिएट हो जाता था घर में। और एट दी एंड मुझे शांत होकर मेरे रूम में वापस आना पड़ता था। और अभी देख लो सिचुएशन क्या हो चुकी है, अभी शायद मम्मी को ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है। तो अभी मम्मी ने पापा को बताया कि ऐसे ऐसे मम्मी को किडनी में दिक्कत हो रही है। अब नो आइडिया क्या है क्या नहीं है, मतलब एक चीज मेरे को सीरियसली पेरेंट्स की समझ नहीं आ रही है। पता नहीं यहाँ पे ऐसा है या सब जगह ऐसा ही होता है। क्या होता है, पेरेंट्स एक एक रुपया बचाने की सोचते हैं, हर बार सोचते हैं कि नहीं कम में करते हैं, कम करते हैं, पैसे बचाते हैं, कुछ ऐसी चीजें करते हैं, बट उनको ये रियलाइज नहीं होता कि वो आपके लिए हेल्थ के लिए कितनी बड़ी प्रॉब्लम बन रही है। और एट दी एंड आपको उसका ट्वाइस ट्राइस बहुत ज्यादा 10 times पे करना पड़ेगा। मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट पेरेंट्स को सोचना चाहिए, पेरेंट्स को अपने ऊपर कुछ लगाना चाहिए। इतना मतलब इतना भी अच्छा नहीं लगता है जो अपनी हेल्थ को कुछ पैसों के लिए हेल्थ के साथ सेक्रीफाइस करना, बिल्कुल गलत बात है। इवन दो ये सबके साथ होता है, मेरे साथ भी है ऑनेस्टली बताऊं तो। मेरी अभी फिलहाल तबीयत खराब हो रही है और मेरे आपको वीडियो से पता चलता होगा मेरे कुछ ब्रीथिंग इश्यूज हैं, शायद अस्थमा से रिलेटेड है, बट मैंने आज तक कभी वो चेक नहीं करवाया है। इन दिनों कुछ ज्यादा ही हो रहा है ब्रीथिंग इश्यूज, आप मेरी वीडियोस में देखते हो मैं बहुत सारे कट्स लगाता हूँ क्योंकि मैं नॉन स्टॉप बोल नहीं पाता हूँ, कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं। और आज तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो अभी एक बार देख रहा हूँ, होपफुली डॉक्टर को दिखा लेता हूँ। यहाँ मैंने गूगल पे सर्च किया था बेस्ट किडनी डॉक्टर इन गुड़गांव, तो मुझे एक पालम विहार में डॉक्टर मिले हैं, तो वहाँ जाएंगे, वहाँ चेकअप करा लेता हूँ। और प्रे करना सब कुछ अच्छा हो, सब कुछ पॉजिटिव हो, क्योंकि यार सीरियसली मतलब लाइफ पता नहीं कैसी चल रही है, कैसी एक के बाद एक प्रॉब्लम आती रहती है। तो होपफुली मम्मी के आज सारे चेकअप कराता हूँ, टेस्ट कराता हूँ, डॉक्टर के लिए मान गए हैं मम्मी। और बस आप आज प्लीज प्रे करना सब कुछ पॉजिटिव हो जाए। और अभी मम्मी को मैंने बोल दिया मम्मी रेडी हो रहे हैं, निकलते हैं एक बार डॉक्टर को दिखा लेते हैं। तो अभी मम्मी रेडी हो चुके हैं, अभी चलते हैं। अभी आप खाली पेट हो या कुछ खाया है आपने? दूध पी लिया, दूध और चाय वगैरह सब पी लिया, तो अभी मेरे ख्याल टेस्ट तो नहीं हो पाएंगे। चलो एक बार डॉक्टर के ही चलते हैं, डॉक्टर से पूछते हैं इतने जो भी है दिखा लेते हैं। आ जाओ एक बार जल्दी, बाकी आपको इतना दिन से बोल रहा था पहले चल पड़ते, जरूरी नहीं होता मम्मी हर बार के मतलब इमरजेंसी में ही जाया जाए, नॉर्मल रूटीन चेकअप भी करवा लेना चाहिए। कोई नहीं, चलो अभी एक बार करवा लेते हैं। आ जाओ पापा, आगे आ जाओ, सीट बेल्ट लगानी पड़ेगी ना, आ जाओ ठीक है, आ जाओ आप आगे आ जाओ, सीट बेल्ट लगा लेना, चले अभी। तो गाइज अभी ऑलमोस्ट 10:30 बजने वाले हैं और फाइनली पहुंच चुके हैं यहाँ पे हॉस्पिटल में। एक्चुअली गूगल पे चेक किया था तो बताया है किडनी के लिए काफी अच्छा हॉस्पिटल है। अभी पार्किंग वगैरह देख लेते हैं, अब यहाँ पे पार्किंग की बहुत प्रॉब्लम हो रही है, पार्किंग ही नहीं मिल रही है। तो गाइज फाइनली पार्किंग मिल चुकी है, उधर जो आप एक बार मैं लगा देता हूँ पीछे ना, पीछे बहुत कम स्पेस है पार्किंग के लिए बट लगानी पड़ेगी, आप भी उधर जाओ मैं एक बार। तो गाइज पार्किंग स्पेस मिल चुका है और मम्मी पापा को मैंने उतार दिया था क्योंकि साइड में ऐसे जगह नहीं थी। अभी चलते हैं एक बार, मम्मी पापा वहाँ वेट कर रहे हैं और यहाँ पे मम्मी की थोड़ी सी वो वीकनेस भी फील हो रही है, चलने में भी दिक्कत हो रही है आपको? वीकनेस तो है, आवाज भी आपकी बहुत कम निकल रही है धीरे धीरे। कोई नहीं, पूरा कम्प्लीट ही दिखाते हैं अच्छे से। और इसका ना शायद नाम चेंज कर दिया, इसमें एक बार मैं आया हुआ हूँ पहले भी, शायद इसका कोलम्बिया एशिया था पहले नाम, बट अब शायद इसका मणिपाल हॉस्पिटल कर दिया, वो ज़्यादा अच्छा लगता है नाम। आ जाओ मम्मी, आ जाओ, चलो 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 सीधा अंदर ध्यान से।
यहीं कटवा लो, अगर पर्ची वगैरह कटवा लो। किडनी वाले डॉक्टर का बोल देना, यहीं पे लाइन में लग जाओ। इसमें कैश पड़े हैं आपको या दूं? पड़े हैं। संतोष शर्मा है, ऑनलाइन कर दूंगा, नहीं तो आपको कर दिए भैया, ऑनलाइन चेक कर लो। आ जाओ एक बार बीपी वगैरह चेक करवा लो, एक बार बीपी वगैरह चेक करवा लो यहाँ। आप वजन कर लो, मम्मी वेट वेट चेक कर लो एक बार। बीपी नॉर्मल है ना? हाँ। कितना आ रहा है? 69। ठीक है, 69 है, बता दो। आ जाओ अमित, यहाँ बैठ जाओ, वेट कर लो, यहाँ बैठ के वेट कर लो एक बार। तो अभी डॉक्टर हैं, स्लॉट अवेलेबल मिल गया यहाँ पे ना। चलो गाइस अभी चलते हैं अंदर। वहाँ बैठो, यहाँ बैठो। ये मेरे को 3-4 साल हो गए। 3-4 साल हो गया। हाँ, यहाँ पर ही हॉस्पिटल से दोबारा। यार हम घर के लिए सोचे सी रहती है, अब तो चले भी कम जा रहा है। वेट लूज हो गया काफी टाइम, मतलब अभी इन 10-15 दिन में काफी ज्यादा। एक बार सब टेस्ट वेस्ट कराओ, सब शुगर वगैरह सब टेस्ट कराओ, अगर वेट लॉस हो गया है ठीक है जी। पेशाब वगैरह का ज्यादा झाग बनता है, यूरिन में झाग बनता है। बिल्कुल, वो तो उसमें करना पड़ेगा। हाँ जी, हाँ जी, उसमें टेस्ट दे रहे हो ना? हाँ जी, उसमें किडनी के भी टेस्ट करना पड़ेगा। जी जी, ठीक है जी। लास्ट जो दिखाया है उसका कुछ आइडिया है? लास्ट जब दिखाया था 3 साल पहले, तो कहा लेटेस्ट ही करवा लेते हैं। 3 साल पहले? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, जब मैं सोच रहा था अभी तो मत कर दे। नहीं नहीं है, अच्छा जी, नहीं करना बेटर रहेगा। तो मैं वही बोल रहा हूँ, अभी अगर आप रिजल्ट वापस नहीं जा रहे हैं ना अभी, तो एक बार जो जो टेस्ट दिया हूँ वो सब करा लीजिए। उसमें आपको पेट का अल्ट्रासाउंड भी करना पड़ेगा, छाती का एक्सरे भी करना पड़ेगा, एक बार पूरा एंगल से ना देखना जरूरी है। आप एक काम करो, आज ना मतलब ये कर लो, रात में ना रात 10 बजे खाना खाओ, खाना खा के कल सुबह आके 8 बजे सैंपल दिला दो, और करके ना कल के सब कुछ एक दिन के अंदर कल पूरा सब टेस्ट करा दो। खाली पेट में नहीं, खाली पेट मतलब 10 बजे खाना खाना है, सुबह 9 बजे खाना खा लो, 9 बजे खाना खा के सुबह 8 बजे आके सैंपल दिला दो, ठीक है जी। हाँ, ताकि ना प्रॉपर तरीके की रिपोर्ट आ जाए, देन उसके बाद ये फॉलो कर। तो गाइस अभी फ्री हो चुके हैं, मम्मी भी आ चुके हैं, पापा भी, और कल होएंगे मम्मी जो जितने भी टेस्ट है ना, कल ही होएंगे, लिख दिए हैं यहाँ पे। और दूसरा आपको बता देता हूँ, जो भी है यहीं करवा लें आपा सारे टेस्ट, बाहर से क्या जरूरी है, क्योंकि फिर वही होता है कि इनके जो रिजल्ट्स हैं एक्यूरेट आएंगे, तो यहीं करवा लेंगे टेस्ट वगैरह। और अभी आपको दिखा देता हूँ टेस्ट कितने लिखे हैं, कौन कौन से लिखे हैं इसमें, देख लो। CBC, KFT, LFT, TSH, FBS, HbA, 1C, लिपिड प्रोफाइल, यूरिन, पता नहीं कौन कौन से, ECG, अल्ट्रासाउंड वगैरह सारे ही होंगे जितने भी टेस्ट होंगे ना। और सिम्टम्स वगैरह हैं वो सारे मम्मी को बता दिए थे। आप यहीं रुक जाओ, मैं गाड़ी निकाल लाता हूँ एक बार। तो गाइस अभी गाड़ी ले आए और मम्मी पापा को यहीं वेट करने के लिए बोल दिया था। आ जाओ, अभी कुछ खाना पीना है, जूस वगैरह लेना है, जूस वगैरह पक्का। आ जाओ फिर, आ जाओ जल्दी आ जाओ। हाँ मीठा, अब शायद शुगर के सिम्टम्स हैं, मीठा बंद ही करना पड़ेगा आपका। मेरे ख्याल से जो सिम्टम्स है ना वो शायद काइंड ऑफ शुगर के हैं, लग रहा है आपको। किडनी के भी, शुगर के भी हो सकते हैं, तो आप मीठा बंद कर दो थोड़े टाइम के लिए ना, जब तक ये डॉक्टर की रिपोर्ट्स नहीं आती। हाँ चले अभी घर, ठीक है चलो अभी चलते हैं। तो गाइज अभी दोपहर के 1 बज रहे हैं और फाइनली पापा मम्मी और मैं घर पे पहुंच चुके हैं। और डॉक्टर को दिखाना था, मैं आपको बता देता हूँ, मुझे कोई आइडिया नहीं था, आपने देख लिया था सुबह, मुझे भी एकदम से ही पता चला था, तो मैंने कोई स्लॉट बुक नहीं करवाया था जो एडवांस में करवा लेते हैं। बट वहाँ पे थोड़ा सा मैंने रिक्वेस्ट करी, तो उन्होंने वॉक इन में ही मम्मी को देख लिया था। हम गए तो थे किडनी स्पेशलिस्ट को दिखाने, जो शायद नेफ्रोलॉजिस्ट बोलते हैं, बट उन्होंने बोला जो सिम्टम्स वगैरह बताए, तो उन्होंने बोला कि आप एक बार जो इंटरनल मेडिसिन स्पेशलिस्ट होते हैं ना उनको दिखा लो, क्योंकि जो सिम्टम्स मम्मी ने बताए ना वो थोड़े थोड़े शुगर से भी मैच हो रहे थे, क्योंकि मम्मी का इन दिनों काफ़ी ज़्यादा वेट लूज हो चुका है और पता नहीं क्या है, और कुछ चीज़ें नहीं भी पता चली। आपने देख लिया वहाँ पे, मम्मी ने बोला कि शायद ये प्रॉब्लम मम्मी को 3-4 साल से चल रही है, बट आज तक मम्मी ने कभी कुछ बताया नहीं, 1-2 साल से मेरे टच में भी नहीं थे मम्मी ज़्यादा। बट क्या है, आई डोंट नो, आज कोई टेस्ट नहीं हो पाए हैं और
कल के लिए बोल रहे हैं, तो होपफुली सब ठीक हो जाए। प्लीज़ प्रे करना, प्लीज़, सीरियसली बोल रहा हूँ, प्लीज़ प्रे करना यार, क्योंकि और हिम्मत नहीं है। फैमिली में ऑलरेडी बहुत सारी प्रॉब्लम्स चलती रहती हैं, तो अब बस प्रे करना, इतना बोलूँगा आपको। और कल सारे टेस्ट करवाऊँगा, और टेस्ट करा के बस रिपोर्ट्स वगैरह बस पॉजिटिव आ जाए, बस इतना ही बोलूँगा आपको, प्लीज़ प्रे करना। और मेरी, मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, मेरी खुद की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, मैं शूट भी नहीं ले पा रहा हूँ, बट स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा, उठना पड़ेगा, क्योंकि ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज जब होती है ना, तो आपको अपनी बीमारी काफ़ी छोटी लगती है। कोविड जब हुआ था तब भी यही हाल था, पूरी फैमिली को संभाला था, बट खुद की हालत क्रिटिकल कर ली थी, वो कभी मैंने आपके साथ शेयर नहीं किया अपना एक्सपीरियंस ना। तो बस प्रे करना यार, और कुछ वीडियोज़ हैं मुझे जो गिवन डेट्स पे देनी होती हैं, तो मैं कोशिश करूँगा कि वो कंप्लीट कर लूँ अपनी, ताकि मैं पूरा मेन फोकस अब मम्मी पे दे सकूँ। तो गाइस, मैंने कुछ शॉपिंग करी थी, आई होप आपको पसंद आएगी। तो गाइज, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। एज यू ऑल नो गाइज, मैं ऑफलाइन से ज्यादा ऑनलाइन शॉपिंग प्रेफर करता हूँ, और फिलहाल मैं ऑनलाइन शॉपिंग कर रहा हूँ Amazon से। Amazon पे शॉपिंग करने के गाइज मेरे ढेर सारे reasons हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल गाइज, Amazon पे आपको बहुत ही बड़े बड़े ब्रांड्स देखने को मिलते हैं, और उन्हीं बड़े बड़े ब्रांड्स का ह्यूज कलेक्शन देखने को मिलता है। Amazon पे आपको फैशन एंड ब्यूटी प्रोडक्ट्स पे ऑलमोस्ट 50-80% तक डिस्काउंट देखने को मिलते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम Amazon पे कोई ना कोई सेल चली रही होती है, बड़े बड़े डिस्काउंट चल ही रहे होते हैं, बट एनुअली इनकी कई बार ऐसी बड़ी बड़ी सेल्स आती हैं जहां पे आपको बहुत ही ह्यूज डिस्काउंट देखने को मिलते हैं। और अगर आपने उस टाइम पे इनकी Amazon की प्राइम मेंबरशिप ले रखी है, तो किसी भी आने वाली सेल के डोर्स आपके लिए एक दिन पहले ही ओपन हो जाते हैं, यानी कि आपको अर्ली एक्सेस मिल जाता है उस सेल का। एंड गाइज, इट्स नॉट ओनली अबाउट ब्रांड्स एंड कलेक्शन, यहाँ पे आपको Amazon पे बहुत अच्छी अच्छी पॉलिसीज भी देखने को मिलती हैं। जब भी आप शॉपिंग करते हैं, अगर आपको कोई प्रोडक्ट पसंद नहीं आता है, साइज इशू आता है या कलर इशू आता है, तो फॉर अ सेफर साइड आपको ऑलमोस्ट अप टू 30 डेज तक इनकी रिप्लेसमेंट पॉलिसी भी मिलती है, तो आप प्रोडक्ट को रिप्लेस भी करवा सकते हो फॉर अ डिफरेंट साइज और कलर। और अगर आपको कोई प्रोडक्ट पसंद नहीं आता है, तो फॉर अ सेफर साइड आपको अप टू 30 डेज तक की रिटर्न पॉलिसी भी मिलती है, तो आप उस प्रोडक्ट को रिटर्न भी करवा सकते हो। और जब भी आप यहाँ पे शॉपिंग करते हो, और अगर आप किसी प्रोडक्ट को प्रीपेड कर देते हो, तो उस केस में आप कैश बैक भी अर्न करते हो। तो अभी मैं आपका ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए अपना कलेक्शन दिखा देता हूँ। और गाइस, मेरे लास्ट Amazon हॉल वीडियो पे एक कमेंट आया था कि भैया आप बार बार जेंट्स का ही कलेक्शन मंगाते हो, मेंस वियर ही मंगाते हो मोस्टली, तो इस बार जो मैंने शॉपिंग करी है वो फीमेल्स के लिए ही करी है, मतलब वुमेन्स के लिए ही करी है। और वुमेन्स वियर में मैं स्पोर्ट्स वेयर लेके आया हूँ, जो कि आपको बहुत पसंद आने वाला है। ये स्पेशली उनके लिए होने वाला है जो वुमेन्स जिम में जाती है, जो जिम फ्रीक है, उनको मोस्टली कम्फर्टेबल से शॉर्ट्स चाहिए होते हैं, जिनमें वो अच्छे से कम्फर्टेबली स्ट्रेच कर सके, वर्कआउट कर सके। तो इस बार मैंने कुछ ऐसे शॉर्ट्स पिक किए हैं जो डेफिनेटली आपको बहुत पसंद आने वाले हैं। इनफैक्ट इनमें से कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो यूनिसेक्स है, जो मेंस एंड वुमेन्स दोनों ही ट्राई कर सकते हैं। तो अभी मैं आपको दिखा देता हूँ फर्स्ट शॉर्ट्स मैंने कौन सा मंगवाया है। तो गाइस, फर्स्ट जो मैंने शॉर्ट्स मंगवाए हैं, वो मैंने मंगवाए हैं फ्रॉम द ब्रांड प्यूमा, क्योंकि आप सबको पता है प्यूमा का जो स्पोर्ट्स कलेक्शन है वो काफी अच्छा है। तो मैंने जो फर्स्ट शॉर्ट्स मंगाए हैं, वो मैंने मंगाए हैं ब्लैक कलर में मंगाए हैं, और ये काफी अच्छे हैं, काफी कंफर्टेबल है, अगर आप जिम में डाल के जाते हैं तो आपको डेफिनेटली बहुत पसंद आने वाले हैं। इसमें आपको एक साइड पे प्यूमा का लोगो भी मिल जाता है, और इसका जो स्टफ है वो मिक्सचर है कॉटन और पॉलिएस्टर का, तो इसमें आपको बहुत ही अच्छा स्ट्रेच देखने को मिलता है। और स्पेशली ये वाले जो शॉर्ट्स हैं, इनकी जो लेंथ है अबोव नी है, तो आप इसमें कंफर्टेबली वर्कआउट कर सकते हो, और आप इसको नॉर्मल डेज में भी डाल सकते हो, वॉक करने जाते हो या कहीं शॉपिंग करने जाते हो, तो वहां भी आप इजीली वियर कर सकते हो। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ सेकंड शॉर्ट्स मैंने कौन से मंगवाए हैं। तो गाइस, सेकंड जो मैंने शॉर्ट्स मंगाए हैं, सिमिलरली मैंने सेम मॉडल सेम आर्टिकल मंगवाया है, बट कलर डिफरेंट मंगवाया है। मैंने ये व्हाइट कलर में मंगवाए हैं, व्हाइट कलर काफी क्लासी लग रहा है। आई नो व्हाइट कलर को मेंटेन करना थोड़ा सा टफ होता है, बट अगर आप इसको मेंटेन करके रखते हो तो ये बहुत ही ज्यादा क्लासी लगते हैं। और स्पेशली इसका जो फैब्रिक है वो क्विक ड्राई टेक्नोलॉजी के साथ आता है, मतलब ये इजी टू वॉश है और इजी टू ड्राई है, बहुत ही जल्दी ड्राई हो जाते हैं, और आपका बॉडी इसमें इजीली ब्रीथ कर सकता है, स्वेट की भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, तो ये फैब्रिक काफी अच्छा है। और इसकी भी सिमिलरली आपको सेम लेंथ मिल जाती है, और कलर है वो व्हाइट है, व्हाइट कलर काफी अच्छा लगता है। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ थर्ड शॉर्ट्स मैंने कौन से मंगवाए हैं। तो गाइस, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लास्ट जो मैंने शॉर्ट्स मंगवाए हैं वो भी मैंने प्यूमा से ही मंगवाए हैं। इसका जो फैब्रिक है ये काइंड ऑफ कॉटन फैब्रिक है, जो काफी कंफर्टेबल रहने वाला है, चाहे आप इसको समर्स में वियर करो, चाहे आप इसको विंटर्स में वियर करो, तो आपको बॉडी को ये काफी रिलैक्स फील करवाने वाला है और काफी कंफर्टेबल लगने वाला है। और मैं आपको दिखा देता हूँ इसके बैक में भी आपको डिजाइन मिल जाता है, और जैसा कि मैंने आपको बताया था इसमें आपको ड्राई सेल टेक्नोलॉजी मिल जाती है, जब भी आप इसको वॉश करते हो तो ये बहुत ही इजिली बहुत ही जल्दी ड्राई हो जाता है, तो ये डेफिनेटली एक
प्लस पॉइंट है जो जिम में जाते हैं जिनको शॉर्ट्स में स्वेट आता है, तो वो वॉश करके इजीली इसको ड्राई कर सकते हैं। और इसमें आपको बहुत ही अच्छा स्ट्रेच देखने को मिलता है और काफी कंफर्टेबल स्टफ है, काफी कंफर्टेबल फैब्रिक है इसका। और इसकी भी लेंथ जो आपको मिलती है अबव नीज ही मिलती है, जो कि आपको वर्कआउट करने में काफी कंफर्टेबल फील करवाते हैं। तो गाइज अभी मैं वन बाय वन ये शॉर्ट्स आपको डाल के दिखाता हूँ आपके ऊपर कैसे लगने वाले हैं। तो गाइज फर्स्ट जो शॉर्ट्स हैं वो आपके ऊपर कुछ कुछ ऐसे लगने वाले हैं, काफी कंफर्टेबल फील करवाने वाले हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया था इसकी जो लेंथ है वो आपको बिलो नीज मिलती है। तो अभी मैं आपको डाल के दिखा देता हूँ सेकंड शॉर्ट्स आपके ऊपर कैसे लगने वाले हैं। तो गाइज हेयर इज द सेकंड शॉर्ट्स गाइज, ये कुछ कुछ आपके ऊपर ऐसे लगने वाले हैं। इसमें भी आपको सेम कंफर्ट देखने को मिलता है, सेम स्ट्रेचिंग देखने को मिलती है और सेम प्यूमा का ब्रांड का लोगो देखने को मिलता है। और ये भी काफी क्लासी है, बैक से भी आपको काफी कंफर्टेबल लगेगा और व्हाइट के साथ काफी मैच भी हो रहा है। अभी मैं आपको डाल के दिखाता हूँ थर्ड शॉर्ट्स आपके ऊपर कैसे लगने वाले हैं। तो गाइज लास्ट बट नॉट द लीस्ट ये रेड कलर वाले जो प्यूमा के शॉर्ट्स हैं, ये आपके ऊपर कुछ कुछ ऐसे लगने वाले हैं। इसमें भी आपको बैक में भी डिजाइन मिल जाता है, साइड में आपको प्यूमा का लोगो मिल जाता है और सेम स्टफ है, सेम कंफर्ट है। तो आई होप आपको ये तीनों शॉर्ट्स पसंद आए होंगे। तो गाइज दैट्स इट फॉर टुडे, आई होप आपको आज का मेरा कलेक्शन पसंद आया होगा। अगर आपको आज का मेरा कलेक्शन पसंद आया है तो इन सब प्रोडक्ट्स के बाइंग लिंक्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप वहां से चेकआउट कर सकते हो गाइज। तो ठीक है गाइज, इस वीडियो का, इस ब्लॉग का अभी मैं यहीं पे एंड कर देता हूं। अगर आज का वीडियो, आज का ब्लॉग आपको अच्छा लगा तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन प्रेस कर देना और हो सके तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना। ठीक है गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट अपडेट के साथ। बाय।